कैसी लगी फिल्म? बहुत जबरदस्त। एंड कैसा लगा सैफ का काम? सैफ का काम तो बहुत अच्छा था। एंड इसी के साथ में अगर बात की जाए, अगर फिल्म में गाने वाले और कहानी की, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे लगा पहले पूरी फुल कॉमेडी मूवी है, फिर उसके बाद लेकिन बाद में ह्यूमर थे अच्छे, अच्छे सॉन्ग्स थे, फिर रिलेशनशिप अच्छी दिखाई गई है फादर डॉटर के बीच, एक अच्छी बॉन्डिंग है, हैप्पी एंडिंग। बहुत टाइम पहले एक सलमान खान की फिल्म आई हुई थी प्यार किया, जब प्यार किया किसी से होता है, उसमें जब ऐसी एक सेम स्टोरी थी, जब प्यार किया तो डरना क्या, तो नहीं, जिसमें बच्चा आ जाया करता था, आई कुड नॉट रिकॉल, एक्चुअली मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, मैं देख नहीं सकता। ओके, इसी के साथ में क्या कहना चाहेंगे, कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 out of 5, नो डाउट, थैंक यू। फिल्म कैसी लगी? हां, फिल्म अच्छी थी। एंड सैफ का काम कैसा लगा? सैफ अली खान का काम अच्छा है, आलिया एफ का काम अच्छा है, और फिल्म में एक मैसेज है कि फैमिली के रिलेशन में, मतलब साथ साथ में उसको कोऑपरेट करना, और मॉडर्न कल्चर है थोड़ा उसको समझाया है, और थोड़ा पेड़ के बारे में, एक पेड़ का इसमें एक टॉपिक है, तो थोड़ा वो है। एंड कहानी ने कितना बांध के रखा, कहानी की अगर बात की जाए? कहानी इमोशनली इतना नहीं है जितना है, और थोड़ा टाइम पास। एंड कितने स्टार देना चाहेंगे फिल्म को? 3। एंड म्यूजिक कैसा लगा? म्यूजिक अच्छा है। थैंक यू। हाउ इज द फिल्म? अमेजिंग। एंड सैफ के अगर काम की अगर बात की जाए, तो कैसा लगा? सैफ के काम अच्छा, सैफ का काम एक्चुअली अच्छा है, ताना जी अलग जॉनर का था, ये अलग जॉनर का, अच्छा है। एंड कहानी की अगर बात की जाए, तो कहानी ने कितना बांध के रखा आपको? कॉमेडी है throughout the movie, I was connected. फिल्म में पूजा बेदी की बेटी भी है अलाया, उनका काम कैसा लगा? अच्छा था। एंड म्यूजिक की बात की जाए, तो कमाल का था। कमाल का था? एंड हाउ मेनी स्टार? आउट ऑफ 5, 4। थैंक यू। कैसी लगी फिल्म आपको जवानी? अच्छी फिल्म है। एंड कहानी के बारे में कुछ बताइए, कहानी ने कितना बांध के रखा आपको? कहानी अच्छी है, फादर और डॉटर का जो रिलेशनशिप दिखाया है अच्छा है, बेहतरीन है। कहीं ना कहीं लोग, बहुत टाइम पहले सलमान खान की फिल्म आई थी जिसमें छोटा बच्चा, कई लोग उससे कंपेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है क्या ये फिल्म? इससे बेटर ये है, वो मैंने देखी थी, ट्यूबलाइट की बात कर रहे हैं आप? नहीं, उससे पहले एक और फिल्म आई थी सलमान खान की, बहुत टाइम पहले, ट्विंकल खन्ना की, उसकी बात। अच्छा, वो मैंने देखी नहीं है। ओके, एंड इसी के साथ में कहानी की अगर बात की जाए, तो कहानी ने कितना, मतलब डायरेक्शन की बात की जाए, चाहे स्क्रिप्ट की बात की जाए, तो कितना मान के रखा? कहानी अच्छी है, डायरेक्शन भी अच्छा है। एंड सैफ एंड अलाय का काम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओ, अलाय का काम अच्छा है। एंड म्यूजिक? म्यूजिक भी अच्छा है। कितने स्टार देना चाहेंगे आउट ऑफ 3? थैंक यू। बहुत अच्छी लगी। एंड जवान जाने वन की अगर कहानी की अगर बात की जाए, तो कहानी ने कितना मान के रखा? कहानी मतलब एक्चुअली कहानी मतलब एक बहुत ही, मतलब जैसे कहानी होती है ना, अगर बहुत लंबी मतलब टाइम की कहानी हो, जैसे आप 5 साल से उससे 50 साल तक, लेकिन ये नहीं, मतलब लगता है जैसे 1 महीने का ही पूरा सीन है, तो कहानी मतलब देखा जाए तो बहुत ही मतलब परफेक्ट चली है, मतलब ऐसा भी ज़्यादा स्लो भी नहीं चली है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं चली, मतलब एक परफेक्ट जगह पे चली है। एंड इसी के साथ एक सैफ की काम की बात की जाए, और अलाया की पहली फिल्म है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सैफ के बारे में बोले तो ही इज़ ए वेरी मतलब एक्सपीरियंस एक्टर, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो नो डाउट उनका तो मतलब बेस्ट था। ठीक है, अब ताना जी देखोगे, ये देखोगे तो मतलब अलग ही, मतलब दोनों कैरेक्टर है, वो मतलब कहाँ एक डेंजरस, और ये कहाँ मतलब इतने इन्जॉइंग, इतनी फन, मतलब अलग ही मतलब खुद वाली फीलिंग आएगी अपनी एज के, ये अलग है। और जो अलाया की अगर आप बात करें, तो उनकी मतलब बहुत ही डिसेंट एक्टिंग चल रही, मतलब कहीं भी आप मतलब कम नहीं लगेगी और ना ही ज़्यादा लगेगी, जितना होना चाहिए उतना परफेक्ट है, मतलब अच्छा। तबू की क्या रखाएंगे? तबू का रोल एक्चुअली बहुत कम था, मतलब बहुत कम दिखाया, बाकी उनका भी एक अलग ही कॉमेडी लाता है, मतलब वो एक ड्रग एडिक और एक योगा करने वाले कैरेक्टर, मतलब सोचो कैसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। चंकी पांडे भी है, चंकी पांडे तो भाई अपने एज से 20-30 साल ऊपर ही खेलते हैं, उनकी बात ही अलग है, मतलब वो तो पता ही नहीं चलेगा, एक क्लब के ओनर टाइप और अलग ही। एंड इसी के साथ में अगर बात की जाए, कितने म्यूजिक की, तो म्यूजिक की क्या कहना? म्यूजिक में बीट बहुत अच्छा था, मतलब अगर डांस करने के लिए वैसे बीट रहे तो मज़ा ही आ जाए। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा ढीला जाता है, फिर सेकंड हाफ में थोड़ा सा गियर पकड़ लेता है, अच्छा है। और सैफ अली खान का भी रोल बहुत बढ़िया है, मज़ा आता है उसको देख के, बहुत टाइम बाद ऐसा उनको देखने में मिला, और बहुत बढ़िया। और अलाया ने भी बहुत अच्छा काम किया, न्यू कमर है, पूजा बेदी की बेटी है, बहुत काफ़ी क्यूट और इनोसेंट फेस है उनका, दिखता है इनोसेंस उनके फेस पे, बहुत प्यारा रोल किया है। और तब्बू मैडम का रोल बहुत छोटा है मूवी में, अलग कैरेक्टर है उनका इस मूवी में, तो वो ज़्यादा बताना बेटर नहीं रहेगा, लोग जाएंगे, पब्लिक देखेंगे मूवी। तो चंकी पांडे भी है फिल्म, चंकी पांडे सपोर्टिंग रोल, बहुत बढ़िया रोल किया इन्होंने, आखिरी पास्ता के बाद एकदम अलग उनका
पब के ओनर रहते हैं, वो सैफ अली खान के फ्रेंड बताए, उनका भी बहुत बढ़िया रोल है। अच्छा, मूवी को म्यूजिक की अगर बात किया तो म्यूजिक को हाँ म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। दो गाने रीमेक हुए, ओले ओले और गला कर दी, दोनों गाने बहुत बढ़िया है, पब्लिक नाचेगी वो गाने पे। एंड कितने स्टार देना चाहेंगे? 3.5। ओके, सबसे पहले तो हाउ वाज द फिल्म, फिल्म कैसी लगी आपको जवानी के लिए? फिल्म सैफ अली खान के फैन के हिसाब से अच्छी थी फिल्म। एंड कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी ने कितना मान के रखा आपको? कहानी उतना ज़्यादा इंगेजिंग नहीं है फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि फर्स्ट पार्ट को आप जो ट्रेलर में देखे वही है। सेकंड पार्ट में तब्बू जब आती है थोड़ा ह्यूमर लेकर के आती है, और देख करके आपको मज़ा आ जाता है कि यार छोटे से रोल में ही जो है काफ़ी ज़्यादा हंसा कर गई है। बिना किसी डायलॉग के फेस एक्सप्रेशन ही काफ़ी रहता है उनका, और आपको हंसी आ जाती है। अलाया फर्नीचर वाला, उनकी मतलब फेस देखते ही याद आ गया था, हैंडसम डैशिंग विलन, हाँ 90s के टाइम के, द कबीर बेदी उनकी ग्रैंड डॉटर है यार। उनका डेब्यू मूवी है तो डेब्यू मूवी के हिसाब से उनका परफॉर्मेंस एकदम ऑसम है। हॉटनेस एंड वो सारी चीज़ों का एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि वो रोल प्ले कर रही है डॉटर का, तो अमेजिंग था। एंड सैफ का? सैफ का यार बार बार दिमाग में चल रहा था कि मैंने तानाजी में देखा है उनको, उनको एक अलग ही रोल प्ले करते हुए, एक हाई लेवल का रोल था वो। अब यहाँ पे आ गए वो अपने पुराने वाले अवतार में, मतलब पार्टी शार्टी करो, ऐश करो यार, और मूवी भी शायद इसी वजह से इन्होंने किया था। इनसे एक बार प्रोमो में भी पूछा गया था कि आपकी आपके इस मूवी का ट्रेलर जो है सारा ने देखा क्या, तो उन्होंने रिएक्शन यही दिया कि देखा भी और बोला बहुत अच्छा है। और मूवी का कॉन्सेप्ट तो बता रहे थे कि साउथ अमेरिका से उठाया गया है, पर मूवी का नाम वो बता नहीं पाए थे। अच्छा क्या नाम नहीं बताया, रिवील हो जाता है सब चीज़। तो मूवी को जा करके देख सकते हो अगर आप सैफ अली खान के वो वाले अवतार के फ़ैन हो कि यार देखना है मुझे इस उम्र में कैसे एकदम रॉकस्टार बन के घूमते हैं। एंड कितने म्यूजिक की अगर बात की जाए तो म्यूजिक के बारे में? म्यूजिक म्यूजिक यार बार बार दिमाग में आ रहा है, ओले ओले यार मिस हो जाएगा अगर आप सही टाइम पर नहीं पहुँचे तो। और दूसरा जो गाना है वो गाना भी यार उतना ज़्यादा आपको मतलब रॉक नहीं कर पाती है, क्यों मालूम है? टाइमिंग गलत हो जाता है बस, और कुछ नहीं। बैकग्राउंड म्यूजिक है ही नहीं, पूरा का पूरा कहानी और एक्टिंग के ऊपर में डिपेंड है पूरी की पूरी मूवी। यार स्टार के मामले में मल्टीप्लेक्स की तरफ से आएगा 3.5, 4 स्टार आ जाएंगे आउट ऑफ 5, लेकिन अगर ओवरऑल की बात की जाए इट विल बी 2.5 और 3 आउट ऑफ 5। दैट्स इट, थैंक यू। हाउ वाज द फिल्म, कैसी लगी फिल्म आपको जवानी जाने में? मुझे अच्छी लगी क्योंकि ये एक फादर और डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में है, उनकी रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज फ्रॉम इमोशनल एंगल, हाउ यू नो इट स्टार्ट विद लॉट ऑफ कियोस एंड कन्फ्यूजन, हाउ टुवर्ड्स द एंड इट एंड्स ब्यूटीफुली, मतलब जैसे मूवी towards the end. So वो complexities relationship की दिखाई गई हैं और संजीदापन दिखाया गया है, हालांकि बीच में थोड़ी slow paced हो जाती है। So I would say it's for niche audience, it's not a mass entertainer. एंड इसी के साथ में कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी ने कितना बांध के रखा है? कहानी अच्छी, पता ही नहीं चला कब स्टार्ट हुई कब खत्म हुई, तो बांध के इसलिए रखा कि बहुत सारे कॉमेडी सीन्स हैं, बहुत अच्छे रिमिक्स किए हुए सॉन्ग्स हैं, बहुत अच्छे से शूट की गई है, सो कहीं भी आप बोर नहीं होंगे, वो तो है। हालांकि बीच में जैसे मैंने कहा स्लो पेस्ट हो जाती है, बट इसमें पूजा बेदी की बेटी हैं अलाया, जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही टैलेंटेड है, और लगा नहीं कि उनकी पहली मूवी है, बहुत अच्छा उन्होंने रोल निभाया, शी इज़ वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी स्पॉन्टेनियस। और उनके साथ सैफ अली खान है जो क्लासी रोल्स ही करते हैं हमेशा, बारिंग वन और टू मूवीज़ लाइक तानाजी जहाँ पे उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया, या ओमकारा। उसके अलावा जितनी भी आप मूवीज़ देखिए, ही विल बी फ्रिवलेस, फ्लर्ट करने वाले, रिच, स्पॉइल्ड ब्रैट, लव आजकल देख लीजिए, या ये दिल लगी देख लीजिए, या कोई भी मूवी उठा के देख लीजिए, उनकी मोर और लेस मूवीज़ वैसी होती हैं। एंड तब्बू की अगर बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे तब्बू एंड चंकी पांडे के बारे में? तब्बू का छोटा सा रोल है, वो आई, शी इज़ सो एफर्टलेस, आई और चली गई, बट जैसे यू नो देयर इज समथिंग मैजेस्टिक अबाउट हर, सम ऑरा अराउंड हर, कि जब भी वो आती हैं तो लगता है वाओ तब्बू आ गए। तो उनका छोटा सा रोल था और वो उसमें आई और हमने इंजॉय किया। सॉरी, फिल्म के लिए कितने स्टार देना चाहिए? आई विल गिव लाइक टू गिव 3 स्टार्स बिकॉज स्टोरी अच्छी है, फादर डॉटर का बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग दिखाया गया है, सो देख सकते हैं, एक बार देखी जा सकती है, बट अगेन इट्स नॉट अ मास एंटरटेनर, इट्स फॉर निश ऑडियंस, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से शायद लोगों को यू नो लोगों तक पहुँच जाए, एक बार देखी जा सकती है। थैंक यू।